हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लगान स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मंडे के लेवल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आज मार्केट में ह्यूज गैप अप देखने को मिला और निफ्टी बिटवीन में जो गैप अप आया ना वो इमीडिएट हमारे रेजिस्टेंस के पास आया, जो हमारा रेजिस्टेंस है ना 19250 का, उसी के पास। और बुल्स क्या चाहते हैं? बुल्स यही चाहते हैं कि निफ्टी 50 को किसी भी हालत में इसके ऊपर क्लोजिंग दिलाई जाए, और 2 से 3 दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, वो ले जाना चाहेंगे इसको ऑल टाइम हाई की तरफ। तो वो यही कोशिश कर रहे हैं जब से कि किसी भी हालत में इसको इसके ऊपर क्लोजिंग दिलाई जाए और 2 से 3 दिन सस्टेन कराया जाए, जिसके कारण फिर क्या होगा, यहाँ से आपको एक ह्यूज शॉर्टकमिंग देखने को मिलेगी या ऑल टाइम हाई की तरफ इसको ले जाने की कोशिश की जाएगी। पर बुल्स ताकत लगा रहे हैं, पर बियर्स भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। तो आज देख सकते हो एंड में आते आते क्लोजिंग जो हुई है वो 19230 के आसपास, एवरेज क्लोजिंग इसी के आसपास आती हुई मिली है, यानी कि 19250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आने दी है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट डाल भी दी थी, अगर निफ्टी 50 सस्टेन कर गया 2 से 3 दिन 19250 के ऊपर तो एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो यही कोशिश की जा रही है दोनों साइड से कि बुल्स वाले चाहते हैं कि इसको 19250 के ऊपर खींचा जाए और बियर्स चाहते हैं इसको 19250 के नीचे रखा जाए और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कराया जाए। कहाँ तक? उनकी इच्छा ये है कि 15200 के लेवल तक लेके आया जाए और वहीं बैंक निफ्टी को 32000 के लेवल पे लेके आया जाए। तो देखते हैं कौन जीतेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बुल्स की हाथ में बाजी है, पर एंड में आते आते देखा गया तो बियर्स ने बाजी अपने हाथ में रख ली है। ठीक है, मंडे को क्या होता है वो मंडे को पता चल जाएगा, पर कैरी फॉरवर्ड ना करें। इसमें यही होता है कि आप कैरी फॉरवर्ड करके चले गए, किसी ने बाय चांस पुट कैरी कर ली होगी तो उसको आज बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और भी चीज़ें पोस्ट कर दी थी, मैंने बताया था इफ़ निफ्टी 50 सस्टेन करता है 19250 कितने मिनट, 75 मिनट, तो आप 20% का अपना एक ऐसे लगा के ना ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो। तो ऊपर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अगर सस्टेन कर भी गया ना तो कोई पॉइंट ऊपर नहीं मिले। तो देखो समझ जाना चाहिए आपको, अगर निफ्टी 50 इतना बड़ा गैप अप खुल जा रहा है ना और अगर वो साइडवेज हो रहा है तो आप ट्रेड ना करें, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखोगे ना 19250 से 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे की तरफ ही रैली मिली है, अगर आप प्रॉपर तरीके देखोगे तो 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे की आपकी रैली दिखेगी। आप एंड में देख सकते हो 2:40 के आसपास ये टूटना चालू हुआ है और कितना टूटा है, 10 तक का लो दिख रहा होगा यहाँ पे बनता हुआ दिखाएं। तो इसलिए ऐसी मार्केट में आपको अवॉइड ही करना चाहिए, मेरे हिसाब से प्ले नहीं करना चाहिए, अवॉइड करें। जरूरी है हर दिन आपको ट्रेड लेना है, या तो आप स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें आज इसमें होती हुई दिखी, मतलब कि इतना बड़ा गैप अप आने के बाद कोई फायदा नहीं था ट्रेड का, तो ऑप्शन बाय के लिए तो ऑब्वियसली वो ट्रेड नहीं बन सकता था जिस हिसाब से ये गैप अप देखने को मिला। तो अब मंडे को देखो क्या ध्यान रखना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो बुल्स यही चाह रहा है, कंटिन्यूसली बुल्स यही चाह रहा है कि किसी भी हालत में इस रेंज के ऊपर 19250 के ऊपर क्लोजिंग दिलाई जाए, 19250 के ऊपर क्लोजिंग दिलाई जाए। और इसके ऊपर क्लोजिंग रखते हैं तो उनको क्या होगा, फिर उसको खींचने की कोशिश करेंगे ऑल टाइम हाई की तरफ, यानी कि 19600 इस रेंज की तरफ फिर खींचने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो इनका यही पूरी कोशिश लगी हुई है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी जाए और 2 से 3 दिन सस्टेन कराया जाए, फिर शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। जो पोजिशनल शॉर्ट करके बैठे होंगे ना, जिनके मन में ये है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का पोजिशनल शॉर्ट क्रिएट हो चुकी है और वो चाहते हैं कि इसको ड्रैग करवाना कहाँ तक, 18000 के लेवल तक। पहला जो टारगेट उनको चाहते हैं वो 18000 के लेवल तक चाहते हैं, इमीडिएट तो आपको मिलेगा 18600, फिर इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे 18000 के लेवल तक। तो वो कोशिश यही करके बैठे हुए हैं, पर देखो कौन जीतता है इस गेम में। अभी तक तो ये कोशिश की जा रही है कि 19250 के ऊपर बुल्स अपनी कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो मंडे के दिन आपको क्या ध्यान रखना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आप ध्यान रखना, क्योंकि जिस हिसाब से आज ये गैप अप आया है, कि मंडे के दिन भी गैप अप आ जाए और कहीं ये खुल जाता है बाई चांस वाली बात है 400 की रेंज में, तो इमीडिएट वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाएगी, तो फिर वहाँ से इसको हल्का कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना बाई चांस वाली बात है, किसी कारणवश फिर से गैप अप आ गया 19400 की रेंज में, तो इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप पुट लेके काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अगर मैं बात करूँ अपसाइड की, तो अपसाइड आपको क्या ध्यान रखना है, कॉल साइड। देखो अगर ये सस्टेन करता है 19260 के ऊपर तो आप प्ले कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, 19333 पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर इफ़ ये फिर से सस्टेन करता है 19260 के ऊपर, यानी कि 50 के रेंज के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देता है, तो इमीडिएट थोड़ा सा हर्डल इसके लिए क्या होगा, इसका डे हाई जो 74 के आसपास बना था, तो उस रेंज के ऊपर ये सस्टेन करने लग जाता है, आधा घंटा 20 मिनट ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, 19333। अगर 19333 भी निकाल दिया इसने तो आपको ये जाता हुआ दिखेगा 19360 और फिर 400 वाली रेंज में जाता हुआ दिखेगा। तो ध्यान रखना है, अगर बहुत बड़ा गैप अप फिर से आ जाता है
तो फिर पॉसिबिलिटीज यही है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डेफिनेटली वहाँ से वो 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट हल्का हो सकता है। अगर नॉर्मल खुलता है, सस्टेन करता है 19,250-260 के ऊपर, फिर आपको अपनी कॉल पे काम करना है और वहाँ से कॉल लेके चलना है और अपना एसएल मेंटेन करते हुए आपको ऊपर के लिए प्ले करना है। वहीं पर डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड यानी कि पुट साइड। देखो पुट साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये सस्टेन करता है डे लो की तरफ 19,210 के नीचे, अगर 19,210 के नीचे ये सस्टेन करता है तो ये अपना गैप फिल करने जाएगा, जो आज गैप अप लगा है 160 की रेंज में आने की कोशिश करेगा, और फिर अगर 160 भी निकलता है तो 19,100 वाली रेंज में आने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखना है, जो ये गैप अप आया है ना, अगर ये सस्टेन नहीं होता है मंडे के दिन तो डेफिनेटली ये गैप फिल करने चला जाएगा। तो एक बार वेट कर लेना, डे लो निकल जाने देना, और डे लो निकल जाता है तो डेफिनेटली फिर आपको क्या ध्यान रखना है, फिर ये फॉल करेगा अपने, ये गैप फिल करने जाएगा और फिर गैप फिल करता हुआ 19,100 की तरफ फिर जाता हुआ दिख जाएगा। अगर ये हल्का फुल्का जाता है और ये कोशिश करता है कहाँ पे, डे लो को पकड़ने की, और डे लो पे सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो फिर आपको कॉल भी लेनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखना, अगर इमीडिएट गैप डाउन खुल जाए 30 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे खुल जाए तो फिर आपको पता है ये फिर फॉल करेगा, ये अपना गैप फिल करने जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जो गैप अप आया ना, ये पूरा गैप फिल करने चला जाएगा, और इसको फिल करते हुए जो है ये 19,160 की रेंज में जाता हुआ दिखेगा। तो इसमें अपनी कोई भी पुट लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी आप पुट लेके प्ले कर सकते हो, ठीक है। सो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे मंडे के दिन के लिए, ध्यान रखना अपसाइड और डाउन साइड। मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अप कर रहे हैं अप कर रहे हैं, पर क्लोजिंग नहीं आने दे रहे हैं। देख लो ना, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी 19,250 के ऊपर, वो नहीं आई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको भी डाउट है कि जो ये गैप अप आया था वो सस्टेन वाला नहीं था, बस कुछ टाइम के लिए रोका जरूर गया है, पर शायद मंडे के दिन आपको ये नीचे की तरफ आपको ट्रैक करते हुए दिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर किसी कारणवश यानी कि मंडे के दिन भी कुछ पॉजिटिविटी रहती है तो फिर डेफिनेटली ये आपको 400 के रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, अदरवाइज फिर ये आपको अगेन फॉल करने की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपकी ये फॉल करेगा डेफिनेटली फिर ये अच्छा खासा फॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे मंडे के दिन के लिए। देखो ओवर डाटा में एक मैं बताना चाहूंगा आपको, 19,230 की एवरेज क्लोजिंग है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे ना 19,230, तो 19,250 के आसपास देखोगे तो मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ कि ठीक ठाक कॉल राइट हो चुकी है। पर 19,300 देखोगे ना 1,42,000 के आसपास, अगर बाई चांस वाली बात है इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 20 से 30 पॉइंट, मैं वही बोल रहा हूँ 20 से 30 पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इमीजिएट यहाँ पे आपको एक इसकी मूविंग एवरेज मिल जाएगी 20 MA मूविंग एवरेज, तो वही इसका हडल होगा यानी कि इमीजिएट रेजिस्टेंस होगा, और वहाँ पे जाके टच करने के बाद या उसके नीचे पर फॉल कर देगी। तो इमीजिएट निफ्टी फिफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 19,300 का ही है, 1,42,000 के पास कॉल आउट हो चुकी है, हल्का फुल्का ऊपर जाएगी फिर से फॉल कर देंगे। और आप देखोगे 19,400 पे आप देखोगे तो 1,14,000 के आसपास यहाँ पे भी कॉल आउट हो चुकी है, यानी कि उनको पता है कि यहाँ तक नहीं खींचे देंगे, यहाँ तक नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पे कॉल आउट करके जा रहे हैं। तो ये बड़े नंबर है दोनों। अगर इधर मार्केट आपको जाता हुआ दिखता है, गैप अप खुल जाता है, तो डेफिनेटली इसी रेंज में आते ही वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जहां से एकदम आपको मार्केट फॉल कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर रहेंगे, यानी कि पुट साइड आपको बताऊं तो अगर आप देखोगे 19,200 पे अगर देखते हो आप, 19,200 पे 1,08,000 के आसपास पुट राइट हो चुकी है, यानी कि अच्छा खासा नंबर है। अगर ये निकला नीचे की तरफ पेन तो मचेगा ही, तो कुछ बड़े नंबर ये कैरी करके नहीं जा रहे हैं अगर आप देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं हटे भी हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी आए हैं पुट साइड पे कि उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस हिसाब से एंड में मार्केट जो टूटा है ना ये निफ्टी फिफ्टी का, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि मंडे के दिन शायद आपको नीचे की तरफ मार्केट फॉल होता हुआ दिख जाए। तो इसका इंडिकेशन थोड़ा बहुत यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि साइडवेज खुलवाने के बाद फिर ये ड्रैग करें या गैप डाउन खुलवा दें, मुझे लगता है साइडवेज खुलवाने के बाद शायद ये फॉल करेंगे नीचे की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है, डे लो निकलते ही आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखोगे ह्यूज गैप अप आने के बाद बिल्कुल साइडवेज, मतलब कोई ट्रेड नहीं बचना है, कोई ट्रेड नहीं बचना है। उसमें मैं आपको बताया भी था, अगर बैंक निफ्टी में सस्टेन करवा देते हैं, ये क्लोजिंग दिलवा देते हैं 43,350 के ऊपर, तो एक अच्छी क्लोजिंग हो सकती है, फिर ये उसको ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। एंड में इसको लेके तो चले गए ऊपर 400 तक के लेवल को दिखा दिया, पर क्लोजिंग 350 के नीचे रखी है, तो उनको भी लग रहा है कि ऊपर है नहीं दम, बस जो भी खींच रहा है वो खींचने वाली बात है, किसी को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बुल्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर दम होता तो डेफिनेटली इसको ये और ऊपर ले जा सकते थे, या क्लोजिंग इसके ऊपर दिलवा देते तो बात बन जाती, पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है डाउन साइड में, या मैं अपसाइड की बात करूँ पहले, तो अपसाइड आपको क्या ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में
ये सस्टेन करवाते हैं दोबारे से 43,360 के ऊपर, 43,360 के ऊपर अगर इसके ऊपर ही फिर से सस्टेन कराते हैं, इस रेंज के ऊपर सस्टेन कराते हैं, तो इमीडिएट छोटा मूव मिलेगा आपको पहला 43,500 का, ठीक है, 43,500 का छोटा मूव मिलेगा जो इसको धीरे धीरे, मतलब पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग नहीं रहा जाने देंगे, इमीडिएट तो मुझे लग नहीं रहा है, फिर भी अगर निकलने की कोशिश करेगा तो इमीडिएट आपको एक हडल देखने को मिल सकता है 43,400 का, फिर जो है यहाँ से 43,500 तक इसको खींचने की कोशिश कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल है, तो ध्यान के रखना है 43,360 के ऊपर निकलता है 43,400 और फिर 43,500 की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं इसको फॉल कराने की कोशिश करेंगे, तो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं बुल्स को कि दिखाने की कोशिश करेंगे ऊपर जा रहा है, फिर एकदम आपको वापस से ट्रैक कर देंगे नीचे की तरफ, तो ध्यान रखना अपसाइड जब भी प्ले करना कोई इमीडिएट लेवल ऊपर का निकल जाए, तो बैंक निफ्टी में कोई एक सर्टेन मूव नहीं दिख रहा ऊपर के लिए, तो अगर ये निकलता है डेफिनेटली 500 के ऊपर निकलता है तो ही आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, तो बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड करना है अगर आप अपसाइड प्ले करने जा रहे हो, अगर कोई फिर से गैप अप देखने को मिल जाता है 150-200 पॉइंट का तो वेट करना, सस्टेन करने देना, अगर 500 के ऊपर सस्टेन करा तभी प्ले करना, नहीं तो फिर से ये फॉल करवा देंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपसाइड में कॉल पे। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड पुट साइड अगर मैं बात करूँ तो क्या ध्यान रखना है, देखो डाउन साइड पे आपको पुट साइड पे आपको, तो पुट साइड में आपको ध्यान रखना है एक बारी इसको फॉल होने देना 43,300 के नीचे, एवरेज क्लोजिंग हमारी 43,318 के आसपास आई है, तो अगर आप इसको फॉल होने देना 300 के नीचे, 43,300 के नीचे अगर ये फॉल कर देता है सस्टेन करता है 20-30 मिनट रुक जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये इमीडिएट आपको फॉल होता हुआ दिखेगा, कोई बड़े मूव नहीं मिलेंगे आपको, 43,200 की रेंज में आता हुआ दिखेगा इमीडिएट, 43,200 यानी कि जो इसका ये डे लो है ना इसकी रेंज में आता हुआ दिखेगा, और ये डे लो निकलने के बाद ही आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिलेगा, तो ये गैप अप आया है ना ये गैप अप को फिल करने चला जाएगा, फिर अच्छा खासा आपको फॉल मिलेगा जो इसको ट्रैक करवा सकता है कहाँ तक, सॉरी ये 43 है 42 लिख गया, ये 43 है तो इसको ट्रैक करा सकता है कहाँ तक 43,060 की रेंज में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये गैप फिल होना है तो इसके लिए इसको ये निकालना पड़ेगा, तो अच्छा मूव कहाँ पे मिलने वाला है आप 43,200 के नीचे आपको एक अच्छा मूव मिलेगा जो इसको फॉल करा सकता है कहाँ तक 43,060 के 50 के लेवल में, तो ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी, इसके पास ही आपको एक अच्छा खासा जो है फॉल होता हुआ दिखने वाला है, सो इसको ध्यान रखते हुए आपको प्ले करना है। अगर मैं इसके ओआई डाटा की बात करूं तो ओआई डाटा में देखो क्या दिखेगा आपको, एवरेज क्लोजिंग हमारी 43,318 के आसपास की आई है, तो अगर आप देखोगे 43,300 पे दिखाऊं तो कॉल रेट आज मार्केट उठा है, गैप अप आने के बाद भी कॉल रेट देखो कितनी जम की हो रही है, 1,41,000, 43,400 पे देखोगे 1,14,000, 43,500 पे देखोगे 1,58,000, तो मतलब भर भर के कॉल आउट करके जा रहे हैं, इनको अभी भी डर नहीं लग रहा है कि इतना गैप अप होने के बाद भी डर नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो गैप अप आया है ना ये बेकार का है, इनको पता है कि बस ये ट्रैपिंग गैप अप है, बुल्स को कहने का ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, फिर से इमिजिएट इनको फॉल कराने की ये कोशिश की जाएगी, तो ध्यान रखना है गैप अप जो ये नंबर दिखा रहा है ना ये नंबर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये अगर गैप अप आया था इनको हटना चाहिए था ना यहाँ से, तब भी नहीं हटे, तो मतलब कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन तो ये दे रहा है कि ये ट्रैपिंग की सिचुएशन बनाई जा रही है, देखते कौन ट्रैप होता है, बुल ट्रैप होते हैं बेयर ट्रैप होते हैं वो आने वाले समय बताएगा, पर नंबर से ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बुल्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मैं अगर पुट साइड दिखाऊं तो 43,300 पर आप देखोगे तो 1,38,000 और 43,200 पर देखोगे 1,00,000, मतलब कोई बड़ा नंबर ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा नंबर हो पुट साइड पर, तो कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो आप देख सकते हो, अगर ये फॉल करता है नीचे की तरफ डेफिनेटली आपको एक अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं नीचे वाले भी, तो ध्यान रखना है ये जो गैप अप आया है शायद ये ट्रैप ना हो जाए बुल्स के लिए, सो जो ये लेवल है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमीडिएट हमारे जो सपोर्ट थे ना वो उनके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जैसे कि निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 43,350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता तो एक अच्छी कवरिंग देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, पर इसके नीचे क्लोजिंग रही है, वहीं 19,250 के ऊपर क्लोजिंग ना आने का मतलब भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि इंटरेस्टेड नहीं है बुल्स, इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि उसको ऊपर की तरफ लेके जा पाएँ, तो बियर्स के हाथ में गेम आती हुई दिख सकती है आपको मंडे के दिन, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, आप भी सपोर्ट करते रहें,
ठीक है ना, ताकि आप सपोर्ट करोगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो और भी तरीके से काम करते रहेंगे, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सीखते रहें। जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे रिप्लाई कर देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे किस चीज़ के बारे में, ताकि आप सक्षम हो चुके प्रॉपर तरीके से कि खुद से ट्रेड बना सके, खुद से निकाल सके लेवल्स, और आप जो है ट्रेडिंग के अंदर से अच्छा पैसा बना सकें। ठीक है, सो चीज़ों को सीखते रहें प्रॉपर तरीके से, और अगर वीडियो ठीक लगती है लाइक कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।